अपने आप को प्रकट करेगा, उसको नाम, उसका नाम ही मनोवृत्ति कहेंगे। ऐसे ही श्री भगवत भक्ति वह भी अपने आप को कई रूपों में प्रकट करेगी, कभी वात्सल्य भाव के रूप में, कभी दास्य भाव के रूप में, कभी सख्य भाव के रूप में, जिन रूपों में भी प्रकट करेगी वो मन की वृत्ति। तो आह्लादनी शक्ति जो श्री किशोरी जी में विराजमान है, वो आह्लादनी शक्ति ही अनंत कोट ब्रह्मांड में भक्त होंगे, उन अनंत भक्तों में बूंद बूंद करके वही विराजमान हुई, और वो भक्ति ही जब अपने आप को, वो आनंद तत्व ही अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर रहा है, उसको ही हम कहेंगे भक्ति वृत्ति। तो वृत्ति के रूप में वो एक जो भक्ति तत्व है, एक जो आनंद तत्व है, वह अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हुए विराजमान होगा। तो भक्ति लक्षण तत्व सार, उसी का नाम भक्ति है, और यही भक्ति ही तत्व सार। क्या बात, एक शब्द में सारा सिद्धांत कह दिया कि ये जो भक्ति है यही तत्व का सार है। तत्व कहते हैं जो वस्तु नित्य हो और जो वस्तु आनंद में हो। बोले भाई ये लौंग का, लौंग है तो सही, परंतु इसमें से तेल निकाल दिया गया, तत्व तो निकाल दिया गया। तत्व तो माने जो उसका आनंद है, उसका वास्तविक जो सार है, उस तो सार को कहेंगे तत्व। जो परम सुख देने वाला है उसको कहा जाएगा तत्व। तत्व तो माने आनंदात्मक हो और वह नित्य हो। जो वस्तु नित्य और आनंदात्मक है उसको कहेंगे तत्व। तो तत्व सार, भक्ति ही सारे तत्वों का सार होकर के विराजमान है, अर्थात भक्ति परम आनंदात्मक है, और आनंदात्मक होने के साथ साथ भक्ति नित्य भी है। भक्ति कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, भक्ति का कभी भी त्याग नहीं होगा। कर्म कब तक, वो जब तक स्वर्ग नहीं मिला, इसके बाद में यज्ञ कर्म कांड छोड़ दिया जाएगा। योग कब तक, वो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, इसके बाद में योग छोड़ दिया जाएगा। ज्ञान कब तक, वो जब तक ब्रह्म के साथ में एक नहीं हुए, ब्रह्म साहित्य जो प्राप्त होने के बाद में ज्ञान को छोड़ दिया जाएगा, ज्ञान साधन को छोड़ दिया जाएगा। ज्ञान रूप ही हम हो जाएंगे, एक योगी ज्ञान रूप ही हो जाएगा। संसार के जितने भी प्रयत्न हैं, राजनीति, व्यवहार, परिवार, ये कब तक, जब तक कि सुख की प्राप्ति नहीं हुई। धर्म अर्थ, इन दो की प्राप्ति होने पर, अर्थ और भोग की प्राप्ति होने पर, फिर जितने भी साधन है संसार के, भोग की प्राप्ति होने के बाद में उनको छोड़ दिया जाएगा। परंतु भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति कभी नहीं छूटती है। भक्ति साधन अवस्था में भी है और भक्ति सिद्ध अवस्था में भी है। हम श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं, परंतु ये थोड़ी है कि जब निकुंज मंदिर में पहुंच जाएंगे तो श्री राधा रानी कृष्ण का नाम नहीं लेती हैं, वे भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। विराम वस्तु में बहुत बड़ा अंतर है, हमको स्वाद नहीं आ रहा है, उनको जाने कितना स्वाद आ रहा होगा। उनका जो स्वाद है उसका तो एक छींटा भी हमको नहीं, परंतु स्वरूप का श्रवण, हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, क्या श्री राधारानी कृष्ण कथा नहीं सुनती हैं? सखियों के बीच में वे भी कृष्ण कथा, कृष्ण गुण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका महिमा का आस्वादन वे भी करती हैं। हम प्रसाद लेते हैं, श्री सखीगण भी, मंजरीगण भी, वे कृष्ण अधरामृत, कृष्ण प्रसाद उनको भी ग्रहण करती हुई वे भी विराजमान, हम भी चिंतन करते हैं वे भी ध्यान करती हुई विराजमान। तो भक्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भक्ति सर्वदा सर्वदा सिद्ध अवस्था में भी भगवत भक्ति विराजमान रहेगी। इसलिए भक्ति लक्षण तत्व सार, भक्ति जो है वही तत्व का सार है। अन्य जितने भी तत्व हैं, तत्व पदार्थ क्या होगा, तत्व माने ब्रह्म,
स्वयं सिद्ध भेद शून्य जो पदार्थ है उसका नाम है तत्व, माने जो आनंदात्मक है नित्य है, परंतु उस आनंदात्मक नित्य पदार्थ को एक शब्द में कहेंगे तो उसको ही एक शब्द दिया जा सकता है कि आनंदमय और नित्य पदार्थ कौन सा होगा, उसको कह देंगे ब्रह्म, ब्रह्म को तत्व कह देंगे। परंतु ब्रह्म का भी सार क्या है, ब्रह्म का सार भी माधुर्य, माधुरी भगवत्ता सार, भगवत्ता का सार माधुरी ही है, श्री कृष्ण का आनंद प्रणाम करने का गुण ही माधुरी का भगवत्ता का सार है। ब्रह्म आनंदमय तो है परंतु आनंद प्रदान नहीं करता है, आनंद रूप बना देता है, आनंद का आस्वादन नहीं होता है, परंतु भगवान अपने माधुरी को प्रकट करते हुए आनंद को प्रदान करते हैं, इसलिए भगवत्ता का ब्रह्म का सार भी, ब्रह्म तत्व का सार भी कहीं भगवत्ता ही है। इसलिए तत्व सार, भक्ति ही तत्व का सार होकर के विराजमान है। तो साधने ये धन चाहिए, अब साधन अवस्था करने के लिए भी पहले हृदय में अंतश्चिंतित देह होगा। विद्वंजन कहते हैं कि देवो भूत्वा देवमेव तो ना देवो देवमर्चे, देवता होकर के देव की आराधना की जाएगी। इसलिए कर्म कांड में जैसे भूत शुद्धि, ऐसे भजन करने के पूर्व अपने भी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि मैं भी किशोर जी की दासी। और निकुंज मंदिर में बिना रस को प्राप्त करने वाले जिनको अधिकार नहीं है उन लोगों का प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं भी आज प्रिया जी की दासी उस भाव से युक्त हूँ, इसलिए निकुंज मंदिर में आज मैं प्रवेश गुरुदेव की कृपा के द्वारा कर रही हूँ, ये विचार करके भीतर प्रवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले तो साधन देह में, साधक देह में भी अंतश्चिंत देह का ध्यान किया, तो साधने ये धन चाहिए, साधन अवस्था में उस धन को चाहेंगे वही सिद्ध देह में प्राप्ति हो जाएगी। यादृशी यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसा जिसने साधन किया है वैसी ही, जैसी भावना की है वैसी ही उसकी साधना, वैसी सिद्धि। जैसी भावना तैसी उपासना, तैसी ही सिद्ध, ये रस की रीति है। तो इसी को श्रीमद् भागवत में निरूपण कर दिया कि बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः इत्यादि का, अभी अभी वो प्रकरण निरूपण करके आए थे प्रसंग के। श्री वैकुंठ में जैसी मूर्ति वहां पर निकुंज मंदिर में विराजमान है, वैसी ही एक मूर्ति श्री किशोर जी ने दीक्षा काल में साधक को भी भीतर दे दिया। श्री श्रीस्वरूपात प्री संदर्भ में रूप कर रहे हैं कि वैकुंठस्य भगवतो ज्योतिरंशभूता वैकुंठ लोक शोभा भूता अनंता मूर्तयः तत्र वर्तन्ते तासाम एक असह मुक्तस्यैकस्य मूर्तिः भगवता क्रियते वैकुंठस्य मूर्ति एवं मूर्ति येषां। वैकुंठ में निकुंज मंदिर में कई चित्रकारी में मूर्तियां बनी हुई हैं, ऐसी एक मूर्ति श्री गुरुदेव ने हमारे हृदय में भी मंत्र दीक्षा के समय श्री राधारानी ने भी स्थापित कर दी गुरुदेव के माध्यम से। जब ये शरीर गिरेगा तो भीतर जो मूर्ति है वो उस वैकुंठ के चित्र के साथ में, वहां पर जो चित्र लगे हुए हैं, फोटो लगी हुई है, जो मूर्ति है वो मूर्ति के साथ में मिलकर के एक हो जाएगी, और एक होकर के वो मूर्ति, अभी तक तो मूर्ति थी, शोभा रूप थी वहां पर, अभी वो सेवा नहीं कर रही थी, फिर इस जीव के साथ में मिलकर के वो सेवा करते हुए विराजमान। तो वैकुंठ से भगवत ज्योति अंशभूता वैकुंठ लोक शोभा रूपा, वैकुंठ की शोभा रूप वहां पर पिच्चीकारी में एक मूर्ति बनी हुई थी, वो मूर्ति ही हमारे हृदय में आ गई, अनंत मूर्ति में से एक मूर्ति हमारे हृदय में आ गई, और यहाँ पर उस मूर्ति के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं। अभी वो मूर्ति इस स्थूल शरीर का सहारा लेकर के विराजमान थी, जब ये स्थूल शरीर गिरा तो वो जो मूर्ति है वो मूर्ति तम
एक ही आशा मुक्तस्य एक मुक्ति ही। जो जीव यहाँ पर उत्क्रांत सिद्धि को प्राप्त करके विराजमान हुआ, उसके भीतर का जो स्वरूप है उस मूर्ति के साथ में, तो मुक्तस्य एकस्य मूर्ति भगवता क्रियते, तो उस मूर्ति के साथ में मिल करके एक हो जाएगा और वहां पर फिर वो सेवा करेगा, उसी का नाम है पार्षद स्वरूप की प्राप्ति। उस पार्षद स्वरूप की प्राप्ति करते हुए साधक विराजमान हो जाएगा। तो साधक देह में जैसी भावना वही सिद्ध देह में उसने प्राप्ति किया। पक्व अपक्व मात्र का विचार है, अपक्व जब साधन की स्थिति है उसमें गति है। गति का अर्थ है कि उसमें अभी मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, ये प्रवाह है। परंतु तब जब सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि की प्राप्ति होने पर उसे फिर आस्वादन जो है, उस आस्वादन की स्थिति को ही उसे प्राप्त करना पड़ेगा। तो गति का अर्थ है अभी एक प्रवाह रूप में कार्य कर रहे हैं, तब फल आस्वाद रूप में उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। माने अपने आप को साधक कृतकृत्य करके मानेगा। ज्ञानी जन एक बात कहते हैं, उसे भक्तों की एक बात भिन्न है। ज्ञानी जन कहते हैं कि गति की परिणति स्थिति में, उनका एक सिद्धांत है। पंत वैष्णव गौरगण उनका एक सिद्धांत है कि नहीं, गति की परिणति गति ही है। यदि स्थिति हो जाएगी तो गति एक तरह से मर जाएगी। वो जो जिसकी स्थिति हो गई वो वस्तु इटर्नल नहीं हो सकती है, वो नित्य नहीं हो सकती है। इसलिए साधक रूप में भी सेवा कर रहे हैं, सिद्ध रूप में भी, सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में फिर आवश्यकता नहीं रहेगी भजन करने की, आवश्यकता नहीं रहेगी और चेष्टा नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। वहां पर भी चेष्टा बनी रहेगी। कोई ये कहते हैं कि गति की जो स्थिति है, गति की परिणति वह स्थिति में, ज्ञानी यही मानते हैं कि यहां पर साधन करो, साधन करके जब ब्रह्म हो गए तो स्थिर पत्थर हो गए। गति का परिणाम स्थिति हो गया। पर विषय पर नहीं, ये यदि स्थिति मान लेंगे तो ये तो एक तरह का सुसाइडल पॉइंट है, आत्महत्या है। अपने आप को आस्वाद की समाप्ति करना है और वहां पर फिर आस्वाद की प्राप्ति पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि जो ग्राहक सामग्री है अंतकरण देह वो ही उसको प्राप्त नहीं है, और उसके आधार पर वह फिर आनंद को वह परिपूर्ण रूप से स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकता है। अस्पष्ट आनंद का अनुभव होगा, स्पष्ट आनंद का अनुभव नहीं होगा। माचिस की तीली में अग्नि है परंतु स्पष्ट अग्नि नहीं है। अस्पष्ट अग्नि होने पर, स्पष्ट नहीं है तब तक उससे दाहकता और प्रकाशकता दोनों प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए प्रकट अग्नि ही होना चाहिए। भक्ति प्रकट अग्नि को प्राप्त कराने की एक स्थिति है। यदि गति की परिणति स्थिति में मान ली गई तो गति की परिणति स्थिति में मान लेने पर और तो आस्वाद की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए गति की परिणति कहीं दिव्य गति में हो गई, पर दिव्य गति में भी उस रस का निरंतर निरंतर आस्वाद प्राप्त है, वो स्थिति की गति नहीं, वह कहीं स्थिर होकर के विराजमान नहीं। तो वैष्णवों की दृष्टि में, वैष्णवों की जो पद्धति है उसमें और ज्ञानियों की पद्धति में यही अंतर है कि ज्ञानी स्थिति को सबसे बड़ा करके मानते हैं, भक्त एक स्थिति को प्राप्त करके जिसमें बाधा नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक भजन में कहीं ना कहीं बाधाएं, परंतु तो जब पार्षद देह की प्राप्ति हो जाएगी उस समय भजन में बाधा नहीं है। परंतु तो पार्षद देह की स्थिति का प्राप्त की का मतलब ये नहीं है कि वहां पर स्थिति हो गई, वहां पर चेष्टा और गुण नहीं रहे, ये नहीं है। उसमें चेष्टा गुण बने, दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट हो गया। जब तक ये शरीर है तब तक
बाधाएं हैं, भजन में अंतराय है। जब पार्षद देह की प्राप्ति हो गई तो अंतराय की निवृत्ति हो गई, परंतु अंतराय की निवृत्ति होने का मतलब यह नहीं है कि गति की निवृत्ति हो गई। गति वहां पर भी बनी रही और निरंतर निरंतर जो आस्वाद है वो निरंतर आस्वाद प्रतिक्षण उन सखियों को नया नया जो आस्वाद वो प्राप्त है और रसिक जन उसी आस्वाद का प्राप्त कर रहे हैं कि नवल लाल, नवल बिहारी, नवल वृंदावन, नवल बिलास, नवल रास, नवल यमुना, नवल पुष्प, नवल बसंत, नवल हिडोरा, हर जगह नवल शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रत्येक क्षण नित्य नूतन वस्तु की ही वहां पर अनुभूति साधक को हो रही है। इसलिए गति की परिणति स्थिति में मान लेना केवल इतने से अर्थ में तो ठीक है कि बाधा रहित स्थिति है, परंतु उसमें गति नहीं है, गति समाप्त हो गई ये नहीं माना जाएगा। उसमें भी नित्य निकुंज में पहुंचने पर भी, सेवा करने पर भी वहां पर निरंतर निरंतर गति बराबर विराजमान रहेगी और गुणों का आस्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। यहीं से दो विभाग हो जाते हैं दर्शन के। निर्गुण जो दर्शन है वो ये कहता है कि कूटस्थ स्थिति में परतत्व को, कूटस्थ माने जब अंतिम स्थिति में पहुंच गए, वहां पर न कोई चेष्टा है न कोई गुण है। भक्त कह रहे ऐसी स्थिति को प्राप्त करके करेंगे क्या, हमको नहीं चाहिए ऐसी स्थिति कि शाम सुंदर के गुण का भी आस्वादन प्राप्त नहीं हो और सेवा चेष्टा भी नहीं हो। हमको ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें बाधा नहीं हो, परंतु बाधा न होने पर माधुर्य का आस्वादन और अधिक अतिशय होकर के विराजमान हो। भक्तों की यही तुलती है, इसलिए वे मुक्ति की स्थिति में भी चेष्टा सेवा मानते हैं, मुक्ति की स्थिति में गुण मानते हैं कि हम किशोरी जी की दासी हैं, हम किशोरी जी के वैकुंठनाथ के दास हैं, ये गुण भी मानेंगे और चेष्टा भी मानेंगे। परतत्व की स्थिति में चेष्टा और गुण समाप्त हो जाए, एक्शन और क्वालिटीज नहीं है ऐसा भी माना जा सकता है, वे भी परिपूर्ण रूप से वहां पर विराजमान है अपनी इटर्नल अपनी कूटस्थ स्थिति में। कूटस्थ कहते हैं लय विक्षेप रहित स्थिति, उसका नाम है कूट, माने अंत में जो बचे। मिट्टी का घड़ा था उसको तोड़ा, दो टुकड़े हो गए, टुकड़े को और तोड़ा एक ठीकरा हो गया, ठीकरे को और तोड़ा तो एक डेली बन गई, डेली को और तोड़ा अणु बन गया, अणु को भी और तोड़ा तो जो स्थिति अंत में बचेगी उसको हम कहेंगे कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब है अंत में जो स्थिति बचे और जिसको तोड़ा नहीं जा सके, वो अणु की जो स्थिति है, वे कहते हैं कि उस स्थिति में कूटस्थ स्थिति में पहुंच करके लय और विक्षेप नहीं होगा, परंतु लय और विक्षेप यद्यप नहीं है वहां पर, परंतु वहां पर गति समाप्त हो गई, गुण समाप्त हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। गुण और गति तो वहां पर भी कहीं ना कहीं विद्यमान है, इसलिए कोई ना कोई चीज तो विद्यमान है, सत्व रस तब विद्यमान है तो रज में कहीं ना कहीं चेष्टा तो विद्यमान है। भौतिक दृष्टि से भी ये देखें, रसायन विज्ञान की दृष्टि से भी ये देखें तो यदि एटम की स्थिति है तो कोई एटम को हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि उसमें गति नहीं है, उसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक जो है उस नाभिक में और इलेक्ट्रॉन बाहर भी चक्कर लगा रहे हैं, गति तो उसमें है, तो उसमें क्वालिटीज भी हैं, उसमें गति भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब उसमें है, सब उसमें कहीं गतिशीलता भी उसमें कहीं ना कहीं विद्यमान है, इसलिए लय और विक्षेप से रहित हो गया हो, उसमें गति नहीं हो परतत्व की स्थिति में, ये एक दृष्टांत है। परतत्व की स्थिति तो नहीं है, अणु का जामर्दन करें वो परतत्व थोड़ी है, परंतु एक दृष्टांत के रूप में दिखाया कि परतत्व में भी कूटस्थ स्थिति में भी कहीं ना कहीं उस कूटस्थ भगवान में लय और उसमें गति और गुण सर्वदा सर्वदा विराजमान है। अतः श्री कृष्ण गुण और गति से रहित होकर के कभी भी विद्यमान नहीं है और उसका हम प्राप्त करें तो अपक्व साधन गति
अपक्व साधन में जो प्रवाह था वो प्रवाह कहीं बाधाओं से रहित होकर के वह प्रवाह सिद्ध साधन में भी बना रहेगा। निष्कर्ष की बात क्या हुई कि अपक्व अवस्था में साधन में लय साधन में बाधाओं सहित गति थी, परंतु सिद्ध अवस्था में बाधा रहित गति की साधक को प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पाकिले से प्रेम भक्ति जब पक जाएगा साधन तो वही प्रेमा भक्ति में प्राप्त हो जाएगा। अपक्व साधने गति, अपक्व जब स्थिति है उसमें कहीं विरोध, उसमें कहीं बाधाएं अंतराय विराजमान है, भक्ति लक्षण तत्व साथ। परंतु जब प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो वो प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होना ही तत्व का सार है। तत्व पदार्थ हुआ ब्रह्म, ब्रह्म का भी सार कहाँ है, जहां उसके माधुर्य का प्रकाशन हो रहा है, वो है ब्रह्म का सार। यदि ब्रह्म हो और आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो तो ऐसे ब्रह्म का क्या लाभ। आनंद है और आनंद का आस्वाद नहीं है तो ऐसा आनंद होना न होना बराबर, ऐसे आनंद का क्या लाभ। आनंद की सार्थकता तभी है जबकि आनंद का स्वाद प्राप्त हो, और ब्रह्म रूप में आनंद का स्वाद प्राप्त नहीं है क्योंकि वहां पर उपाधि सब समाप्त हो गई, ग्राहक सामग्री रिसीवर समाप्त हो गया, और रिसीवर नहीं है तो जो रेडियो तरंग हैं वो तो आकाश में अभी भी विद्यमान है, परंतु तुम्हारे पास में यदि ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, तो उनको पकड़ोगे नहीं, तो सिग्नल तो है ही है, सिग्नल भी थोड़ी है, सिग्नल को समाप्त हो गए, सिग्नल तो विद्यमान है ही है, परंतु यदि रिसीवर है तो सिग्नल को ग्रहण किया जाएगा, रिसीवर नहीं है तो सिग्नल को ग्रहण नहीं किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी यदि मिल गई है तो टेलीविजन में फिगर आएगी, नहीं तो टेलीविजन में फिगर नहीं आ रही है, स्क्रीन के ऊपर फिगर नहीं आ रही है, तो रिसीवर होना चाहिए। और श्री भगवत लीला में भक्ति मार्ग में साधक को एक दिव्य रिसीवर की प्राप्ति हो जाती है, पार्षद स्वरूप की प्राप्ति है, जिस पार्षद स्वरूप से वह भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान। आगे कह रहे हैं तो गति का अर्थ यहां पर प्रकार है, साधन अवस्था में एक प्रकार है, उसमें कहीं अंतराय है, सिद्ध अवस्था में गति तो बराबर विद्यमान है परंतु अंतराय नहीं, ये अंतर। श्री प्रियालाल भक्ति लक्षण सार होकर के वो विराजमान। नरोत्तम दासे कहे ए जिनो मोर है ब्रज पूरे अनुरागे बास, सखीगण गण नाते हमारे लिखी में ताते, कहे वो पूरा अभिलाष। नरोत्तम दास कहे, श्री नरोत्तम दास कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि ए जनो मोर है, जनो मोर है कि कब मुझे यह अवस्था की प्राप्ति होगी कि ब्रज पूरे अनुरागे बास, श्री वृंदावन में अनुराग पूर्वक में निवास करूंगी, वृंदावन मेरा निवास स्थान होकर के विराजमान हो, केवल बास नहीं अनुरागे बास अर्थात निवास बने आसक्ति पूर्वक श्री वृंदावन में कि ये मेरा घर है, ऐसा मैं वृंदावन में निवास करूंगी। तो ब्रजपुरे अनुरागे बास, ब्रजपुर में अनुराग पूर्वक में बास करती हुई कब विराजमान होगी। नरोत्तम दासी कहे, नरोत्तम दासी कह रहे हैं कि एक जन्म जेनो मोर है कि कब ये वस्तु मुझे प्राप्त होगी, मैं कि ब्रजपुर अनुराग निवास, ब्रजपुर में अनुराग पूर्वक निवास करूंगी, और सखीगण गणना आते जिस समय सखीगणों की गणना की जाए उस समय इस सखी की यूथ में ये नई दासी भी है, कब सखियों के एक्विटेंस रोल में मेरा भी नाम, उनके रजिस्टर में भी मेरा भी नाम चढ़ जाए,
तब वो अवसर हो तो सखी के साथ में। माने अपनी पहचान किसके द्वारा है, हमारी पहचान उस यूथ के द्वारा। तो दीक्षा ग्रहण की कंठी जो गले में पहनी कोई मामूली चीज थोड़ी है, इसमें एक कितना गौरव है कि हम उस यूथ की दासी हैं। ये अनुमान हृदय में उत्पन्न करता है, ये जो वैष्णव वेश, ये जो तिलक, ये वैष्णव वेश, ये कंठी, ये अनुमान उत्पन्न करती है कि मैं उस यूथ की दासियों की दासी हूं, उस यूथ के साथ में मेरा संबंध। तो निज अभिमान को प्रकट करने वाली है। तो सखीगण गणनाते हमारे लिख में ताते, सखीगणों की गणना में कब उसी यूथ के भीतर मेरी भी गिनती आ जाए, तब एक पूर्व अभिलाष, तब मेरी जो अभिलाषा है वो अभिलाषा पूरी। श्री ब्रजपुरे अनुरागे वास, ब्रजपुर में आसक्ति पूर्वक में वास करूंगी। यहां अनुराग शब्द एक पारभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं है, यहां सामान्य अर्थ में है अनुराग। अनुराग का पारभाषिक अर्थ अलग है कि सतत उपभोक्तमान पदार्थ में नित्य नूतनता की प्राप्ति, उसका नाम है अनुराग। उस अर्थ में अनुराग यहां पर नहीं है। अनुराग का तात्पर्य है आसक्ति पूर्वक, ये मेरा है, इस आसक्ति पूर्वक बिल में बात करूं। माने श्री वृंदावन मेरा निवास बन जाए, आसक्ति पूर्वक वास बन जाए, वृंदावन मेरा हाउस नहीं रहे, होम बन जाए। हाउस और होम में जो अंतर है वही वास और निवास इनमें अंतर। तो ब्रजपुरे अनुराग वास, ब्रजपुर में अनुराग पूर्वक आसक्ति पूर्वक हम वास करें। धर्मशाला में गए, घर तो वो भी है, ईंट पत्थर का छत तो वहां पर भी है, कि वहां ताला कूची वहां पर भी है, परंतु वो बास है, निवास नहीं है। परंतु तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी वो निवास है, क्योंकि उसमें मेरा है यह भाव कहीं छिपा हुआ है। तो बिल्कुल मैं अनुराग पूर्वक कब मैं निवास करती हुई विराजमान हूं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि कृष्ण स्मरण जलम चास्य प्रेष्ठम निसमीहितम तत्तत् कथा रसश्चासौ कुर्यात् वासः ब्रजे सदा। रागानुभव भक्ति के लिए चार साधन, चार रहनियों को अपनाना, चार साधनों को अपनाना पड़ेगा। वे चार साधन कौन से हैं? बोले अपने अभीष्ट कृष्ण का ही ध्यान। बासल्य रस के हैं तो बासल्य कृष्ण बाल कृष्ण का, यदि निकुंज के उपासक हैं तो किशोर कुंज का, किशोर कृष्ण का, यदि सखाए हैं तो पौगंड कृष्ण का, सखाओं के साथ में खेलने वाले उन कृष्ण का स्मरण करते हुए हम विराजमान। तो सबसे पहले ये बात हुई कि कृष्णम स्मरण, निज अभीष्ट कृष्ण का स्मरण, फिर निज अभीष्ट कृष्ण के परकर का भी स्मरण, क्योंकि परकर वैशिष्टात् वैशिष्टम, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं प्रकट होंगी जैसा परकर है वैसी लीला प्रकट होंगी। तो मधुर लीला का यदि ध्यान करना है तो फिर सखी गणों के बीच में ही मधुर लीला का ध्यान होगा, फिर नन्हे यशोदा के बीच में मधुर लीला का ध्यान नहीं होगा। तो जैसा परकर उसके बीच में लीला का ध्यान होगा। तो कृष्ण स्मरण जन्म चाहिए निज अभीष्ट कृष्ण, दूसरी वस्तु हुई, पहली हुई निज अभीष्ट कृष्ण, दूसरी वस्तु हुई निज अभीष्ट परकर, फिर तीसरी निज अभीष्ट लीला। उस समय अपने अभीष्ट लीला का ही विशेष रूप से ध्यान करेगा। अब निकुंज में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं कि गजराज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गणों पर बैठ करके चक्र लेकर के आए हैं, तो नित्य लीला कहां से सिद्ध होगी? फिर वहां पर तो श्री प्रियालाल भिड़ोरा में आनंद पीरवा प्यारी जी झूले हो पीरी पोखर पार, वहां पर तो वो लीला का ध्यान किया जाएगा। पर जिस समय ईंच ले रही हैं उस समय श्री प्रिया जी के चरण की परछाई श्री राधा कुंड में पड़ रही है, उनकी उन चरण की पगथल का ध्यान करना पड़ेगा। दोनों चीजों में बहुत अंतर हो जाए। तो लीला भी अपने, कृष्ण अपने अभीष्ट, परकर अपना अभीष्ट, और लीला भी अपना अभीष्ट,
साथ के साथ में जो धाम है वो भी निज अभीष्ट। ये चार चीज को लेकर के चलेंगे तो अपनी उपासना रागन का उपासना सिद्ध होगी। इसलिए कुरियावासक ब्रज सदा ब्रज में निवास करते हुए विराजमान हो, ये ब्रजपुर में अनुराग सहित निवास कर साक्षात ब्रज का दर्शन करके कहीं दूसरी जगह ये बात सिद्ध हो नहीं सकती है। दूसरी जगह रस की कल्पना करनी पड़ेगी, परंतु श्री वृंदावन में यदि आया जाए, साक्षात वृंदावन में आया जाए, तो वहां पर ये लीला साक्षात रूप से ही धाम के दर्शन हो ही जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ स्थान तो बचे हुए हैं ही, बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है। श्री वृंदावन की भूमि में जो दिव्य रसात्मक जो बीज हैं वो विराजमान हैं, और कुछ जगह आज भी बची हुई हैं जहां पर के आधुनिकता का संपर्क नहीं है या पुराना जो स्वरूप है वो दिखता है। यदि तटीय स्थान में जाएं, भागवत निवास में जाएं, तो आज भी लता पता दिखेंगी, चाहे कितना भी आधुनिकरण हो गया हो, शहरीकरण हो गया हो, आते जाते कृष्ण नाम कृष्ण कथा कान में पड़ेगी ही, संसार की चर्चा वहां पर नहीं दिखेगी, या दिखेगी तो कहीं बहुत छोटी सी व्यवहार मात्र के लिए थोड़ी सी चर्चा दिखेगी। मुख्य जो जीवन की धारा है वो जीवन की धारा श्री कृष्ण साथ के साथ में ही, कृष्ण भावना के साथ में ही निरंतर जुड़ी हुई रहेगी। तो साधक साक्षात वृंदावन का सेवन करते हुए विशेष रूप से विराजमान, क्योंकि यहां चलते फिरते राधा नाम श्रवण हो जाएगा, चलते फिरते कृष्ण कथा मिल जाएगी, चलते फिरते कृष्ण भगवत स्वरूप का दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा और रस की गंभीर चर्चा भी मिल जाएगी। अन्यथा रस की गंभीर चर्चा वह दुर्लभ हो जाए। दूसरी जगह कर्ण सुख तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, कर्ण को सुख देने वाली, मनोरंजन करने वाली, परंतु जो गंभीर रस की उपासना पद्धति की जो चर्चा है वो रसिक जनों के बीच में श्री वृंदावन में ही सहयोग से प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर सिद्ध देव में श्री वृंदावन में निरंतर निवास करते हुए विराजमान हो, प्रेम का अपूर्व रूप से यहाँ पर आविर्भाव होते हुए विराजमान। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय इसी को ही एक पद में आगे